सरगुजा जिले के मेनपाट के डांड केसरा में खुलने वाले सीएमडीसी के तहत बॉक्साइट उत्खनन को लेकर ग्रामीणों में विरोध देखने को मिला है। बता दें कि मेनपाट क्षेत्र के डांड केसरा क्षेत्र में सीएमडीसी द्वारा बॉक्साइट उत्पादन के लिए जमीन अधिग्रहित किया जाना है, जिसके लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। इस जनसुनवाई में बीते दिनों ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के वाहनों को रोक लिया था, बॉक्साइट उत्खनन रोकने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद दूसरे दिन अधिकारियों के द्वारा कई ग्रामीणों के पट्टों की जाँच के लिए टीम बना दी गई, जिसके बाद से ग्रामीण डरे हुए हैं। साथ ही ग्रामीण चाह रहे हैं कि सीएमडीसी के द्वारा बॉक्साइट का उत्खनन करने नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीण प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण चाहते हैं कि बॉक्साइट उत्खनन नहीं होना चाहिए, साथ ही कहा कि जिस तरह से ग्रामीणों पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, इसके लिए उच्च अधिकारियों से भी बात की जाएगी। मंत्री जी से हमको सीएमडीसी परेशान कर दिया है। डांड केसरा में ग्राम पंचायत से राज जबरदस्ती एनओसी ले रहा है, गांव के लोगों से जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है कि नहीं आप सीएमडीसी दो, कुछ बाहर के लोगों को पैसा दे दे के उस दिन 15 तारीख को जनदर्शन में बुलाया गया था, जिससे बुलवाया जा रहा था नहीं हमको रोजगार चाहिए रोजगार चाहिए, बाहर के लोगों से बुलवाया जा रहा है, जबकि गाँव के पूरे 500 लोग हम लोग जिसमें से गाँव के लोग एक भी नहीं बोले कि नहीं सीएमडीसी हमको चाहिए, फिर भी राज जबरदस्त बोल रहा है कि हमको ग्राम पंचायत से एनओसी चाहिए। उन लोग का ये कहना है कि वो बॉक्साइट उत्खनन के लिए जो फर्म आ रही है तो गांव वाले राजी नहीं है जमीन देने के लिए, और दबाव बनाया जा रहा है उन लोग के ऊपर कि जमीन दी जाए, तो एक दबाव बनाना नहीं चाहिए, कुछ अधिकारी बुला के उन लोग के ऊपर कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं, अन्य तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। स्वतंत्र प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये व्यवहार उचित नहीं है, और गांव वाले उनको विश्वास में लीजिए, उसमें लाभ हानि क्या होगी उनकी उसके बारे में उनको समझाइश दीजिए, और उसके बाद उनकी सहमति होती है तो फिर आगे काम करें, अगर उनकी सहमति नहीं है गांव वालों की तो वहां काम फिर ऐसे जगह नहीं होना चाहिए।